क्या नाम है बहन जी? ये सब रिश्तेदार है भैया, ये मां है, मेरी बड़ी बहन है, मैं उसकी छोटी बहन, मैं बड़ी बहन। तो आप अपने ससुराल का बताओ मेरे को। कोपरगांव में ही रहती हूँ मैं, मेरा ससुर का एक ही गांव है। ठीक है, एक ही गांव में घर अलग है। अपने पति का और ससुर का नाम बताइए। कृष्णा मेरे पति का नाम है और ससुर का बालक है। हाथ खोलो, आंख खोलो। आप गांव के कोने पर रहते हैं? जी, अवन होगा नदी के नीचे साइड में। आपका खुद का घर है? जी, घर तो ठीक है आपका, थोड़ी बहुत दिक्कत है। पूजा पाठ करते हैं आप? जी, महसूस नहीं होती चीजें? होती है थोड़ी बहुत, मतलब इंट्यूशन आती है। हाँ, अच्छी ऊर्जा है लेकिन पूर्ण रूप से आप बीच बीच में छोड़ देते हैं, इस वजह से पूरा अनुभव नहीं हो रहे। भूत प्रेत तंत्र मंत्र की कोई दिक्कत नहीं है, ससुराल एकदम ठीक है आपका। एक कुलदेवी है, वो पहले बंदिश में थी मगर अब ठीक है। फिलहाल हवन कराया होगा कोई पितरों का जी, तो उसमें ठीक हो गया सर। बढ़िया पंडित का मेरी तरफ से आपका परिवार एकदम ठीक है। आपको थोड़े बहुत दबाव इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आप जाप बहुत समय तक करके फिर बहुत समय तक नहीं करते, ठीक है, बीच बीच में छोड़ देने के कारण। और कई बार आप देवता बदल लेते हैं, इस वजह से भी दिक्कत बनती है शरीर में। नहीं, देवता नहीं बदलते, लेकिन क्या होता है पति पत्नी में हमारे मतलब घरेलू झगड़े बहुत हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे परेशानी पर्ची पे लिख कर देंगे, हम हवन करेंगे, उसमें आपका निवारण हो जाएगा, बाकी अलग से कुछ कराने। और मेरी महावारी की भी बहुत अलग सी प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल तंत्र मंत्र से कुछ नहीं है।